हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। 15-16 जून की दरमियानी रात को गलवान वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, वहीं हमारे 10 सैनिकों को पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बंदी बना लिया था। बंदी बनाए गए सैनिकों को 18 जून की शाम छोड़ा गया। दूसरी ओर चीनी खेमे से कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया। हताहत हुए चीनी सैनिकों के मामले में सिर्फ और सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकी और इसी वजह से इससे जुड़ी कई भ्रामक जानकारियां भी हवा में तैर रही थी। मगर 31 अगस्त को यानी गलवान में हुई झड़प के ठीक 2.5 महीने बाद टीवी पर खबर आई कि गलवान में हुई झड़प में चीनी सेना को भारी नुकसान जो हुआ था उसका सबूत मिल गया है। और ये सबूत क्या थे? ये सबूत थी कुछ तस्वीरें जिसमें चीन के सैनिकों की कब्रें दिखाई दे रही थी। आज तक के एंकर रोहित सरदाना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विजुअल्स में चीनी सैनिकों की कब्रें दिख रही हैं और जिसे गिनना है गिन ले। इस ट्वीट में आज तक के ही बुलेटिन का एक हिस्सा था, इसमें भी रोहित सरदाना थे। वो जो कह रहे थे, आगे बढ़ने से पहले हमें वो जरूर सुनना चाहिए। आज तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये आपको दिखा रहा है चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें हैं। गलवान में जो झड़प हुई थी उसमें जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके लिए देश में भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे कि सबूत कहां है इसका, उसका सबूत ये सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। गलवान में जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद एक के बाद एक लोग पूछ रहे थे कि तस्वीरें कहां हैं, नंबर क्यों नहीं बता रहा कोई, भारत क्यों नहीं नंबर दे रहा है, चीन क्यों नहीं नंबर दे रहा है, भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से जो नंबर आ रहे हैं उसमें एक रूपता क्यों नहीं है, बार बार नंबर बदल क्यों रहा है, उस हर सवाल का जवाब इस वक्त इस टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। भारत से झड़प में चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे और उनकी कब्रों पर आप देख सकते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा आज तक के ही साथी इंडिया टुडे चैनल ने भी ये खबर दिखाई। उन्होंने एक एरिया पर फोकस रखते हुए तीर के निशान के माध्यम से ऐसा बताने की कोशिश की कि उस एरिया में जून में हुई झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र बनाई गई है और इसकी संख्या काफी ज्यादा है। चैनल ने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई और बताया कि ये सभी नई कब्रें हैं। टाइम्स नाउ तो काफी स्पेसिफिक था। चैनल ने ट्वीट करके बताया कि कुल 106 कब्रें हैं जो कि बता रही हैं कि 15 जून को चीन को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत केस के दौरान जब एक पैनलिस्ट ने गिरती जीडीपी पर बात करनी चाही तो राहुल शिवशंकर ने उन पैनलिस्ट से कहा कि वो ऐसी बातों से देश का समय बर्बाद न करें। उन्हीं राहुल शिवशंकर ने राहुल गांधी, शशि थरूर, जाकिर हुसैन जैसे नेताओं का नाम लेते हुए ये पूछना शुरू किया कि क्या ये सभी खुद को माफ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम पर शक किया था। इस दौरान उन्होंने देश के झंडे, देशभक्ति वगैरह की बात करते हुए दावा किया कि टाइम्स नाउ के पास चीनी सैनिकों की कब्रों की तस्वीरें हैं, वो चीनी सैनिक जो 15 जून की रात गलवान में मारे गए। सिर्फ स्टोरी व्यूअर्स, नो कंडमनेशन इज इनफ टुडे। कांग्रेस लीडर्स, ऑपोजिशन लीडर्स लाइक राहुल गांधी, हुसैन दलवाई, जाकिर हुसैन, शशि थरूर, काउंटलेस अदर डिस्टिंग्विश्ड बीजिंग भक्त्स ऑफ द लटियन सेट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। दे मस्ट आस्क देमसेल्व्स इफ दे स्टिल फील दे कैन पार्डन देमसेल्व्स फॉर डाउटिंग द वैलर ऑफ आवर फोर्सेस ऑफ इंडियाज ब्रेव्स। दे मस्ट आस्क देमसेल्व्स व्हाट द नेशनल एंथम एंड द ट्राइकलर मीन टू देम। आस्क देमसेल्व्स इफ दे आर ट्रू पेट्रियट्स, especially when Times Now has access pictures of Chinese graves, to be precise 106 graves marking the deaths of PLA soldiers killed in action after they provoked Indian forces during the night of June 15 in the Galwan Valley. इसके अलावा NewsX और ABP News ने भी गलवान झड़प में मारे गए सैनिकों की 30 से ज्यादा कब्र की तस्वीरों का दावा किया। लेकिन हम अब इन तस्वीरों की असलियत पे आ जाते हैं। ये बात सच है कि इन तस्वीरों में चीनी सैन्य कब्रिस्तान दिख रहा है। ये भी सच है कि इसमें चीनी सैनिकों की कब्रें हैं। लेकिन ये कब्रें 1962 में हुई भारत और चीन की जंग में शहीद हुए चीनी सैनिकों की हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने इंडिया टुडे का दिखाया गया गूगल अर्थ फोटो जब सर्च किया तो पता चला कि ये तस्वीर गूगल के कैमरों से 2011 में ली गई थी। और अगर गौर से देखा जाए तो इस इमेज में कुल 105 कब्रें दिखती हैं, बाईं तरफ 43 और दाईं तरफ 62। इंडिया टुडे ने शो के दौरान एक इंफोग्राफिक भी दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि यहां कुल 105 कब्रें हैं। आज तक ने इस कवरेज के दौरान चीन के 40 सैनिक मारे जाने की बात कही, वहीं इंडिया टुडे ने कोई एक सॉलिड नंबर नहीं दिया।
हालांकि उनके शो में आए एक रक्षा विशेषज्ञ ने यह जरूर कहा था कि ये कब्रें कम से कम दिसंबर 2019 से वहां मौजूद थी और हाल ही में कुछ नई कब्रें बनी हैं। मजे की बात यह है कि 29 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें यही सैटेलाइट इमेज दिखाई गई थी और खुद इंडिया टुडे ने बताया था कि ये 2011 की इमेज है, लेकिन उसके दो दिन बाद ही उसी तस्वीर को जून 2020 के बाद की तस्वीर बताकर टीवी पर वो चलाने लगे। अब आते हैं इस बात पर कि चाइना का जो ये वॉर मेमोरियल है इसका मामला क्या है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो जो कि चीनी सेना द्वारा अगस्त 2020 के आखिरी हिस्से में ही रिलीज किया गया है। इस वीडियो में यही वॉर मेमोरियल दिखाई पड़ता है। चूंकि ये लेटेस्ट और ऑन ग्राउंड विजुअल्स हैं, इसीलिए हम इन्हें रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इस वॉर मेमोरियल को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। चाइनीज सर्च इंजन बाइडू पर जब हमने इस वॉर मेमोरियल की तस्वीर खोजी तो 2011 की एक तस्वीर में हमें लेफ्ट साइड में 43 कब्रें दिखाई दी। आप देख सकते हैं कि गूगल अर्थ से ली गई तस्वीर और इस सर्च इंजन से ली गई तस्वीर दोनों में अंत में एक एक कब्र दिखाई दे रही है, मगर चीनी सेना द्वारा रिलीज किए गए वीडियो में लेफ्ट साइड में एक एक्स्ट्रा कब्र दिखाई देती है, यानी यहां लेफ्ट साइड में 43 की बजाय 44 कब्रें हो गई है। अब बात करते हैं राइट साइड की। सोशल मीडिया पर इसी मसले से जोड़ते हुए एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसकी राइट साइड में 63 कब्रें दिखती हैं, आखिरी रो में 5 कब्रें हैं। लेकिन एक बार फिर जब हम चीनी सेना द्वारा रिलीज किए गए उस रेफरेंस वीडियो को देखें तो पाएंगे कि उसमें 5 की बजाय कुल 6 कब्रें हो गई हैं, यानी राइट साइड में कुल कब्रें हुई 64। तो लेफ्ट और राइट यानी 44 और 64 को जोड़ें तो कुल कब्रें मिलती हैं 108। चीनी सेना के वीडियो में भी यही कहा गया है। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इस वॉर मेमोरियल में कुल 108 कब्रें हैं। इसके अलावा हमें इंडिया टुडे द्वारा शेयर की गई एक और तस्वीर मिली जो कि दिसंबर 2019 में भी शेयर की हुई दिखती है, यानी यकीनन ये तस्वीर भी गलवान वैली में जून 2020 में हुई झड़प के पहले की है। कुल मिलाकर मामला यह है कि इंडिया टुडे ने गलवान घाटी झड़प में हताहत चीनी सैनिकों की संख्या बताने के लिए 2011 की सैटेलाइट इमेजेस इस्तेमाल की। ये तस्वीर इंडिया टुडे, आज तक और टाइम्स नाउ ने कांगशीवा मेमोरियल की बताकर दिखाई, जो असल में 1962 में भारत के साथ हुए युद्ध में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्रें हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने पाया कि 2011 के बाद इस जगह पर कम से कम 3 नई कब्रें बनी हैं। एक अन्य तस्वीर जिसे देखकर मालूम होता है कि यह हाल ही की बनी कब्र है, सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। हमने मैंड्रिन जानने वाले एक साथी से बात की, उन्होंने हमें बताया कि इस कब्र पर शहीद चीनी सिपाही का नाम लिखा है और वो दिसंबर 2001 में जन्मा था और जून 2020 में भारतीय सेना से सीमा पर संघर्ष में उसकी मौत हो गई। और सोशल मीडिया पर जैसा कि जो होता है इस बार भी हुआ। इन न्यूज चैनलों की इन रिपोर्ट्स के बाद एक बांध सा खुल गया और तमाम जगहों पर, तमाम लोगों की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर इन तस्वीरों, इन दावों को जगह मिली कि ये जून में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्रें हैं। ऐसे दावे करने वालों में फैक्ट चेकिंग में गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर और जर्नलिस्ट सुशांत सिन्हा, भाजपा नेता और मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए जाना माना नाम कपिल मिश्रा, ऋषि बागरी आदि अनादि शामिल थे।